आओ पधारो हमारे चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन वाले पेरेंट्स की। न्यू जनरेशन पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजते हैं? अरे तो सुनो, सुबह सुबह बड़े प्यार से, बेटा उठ जाओ, स्कूल जाना है, यू आर वेरी गुड बॉय ना, उठ जाओ बेटा, गुड मॉर्निंग। और साथ में उसके गाल पे किस भी मिलता है और खुद ही उसको गोद में उठा के नहाने के लिए लेके जाते हैं। जो ओल्ड जनरेशन वाले पेरेंट्स हैं वो कैसे उठाते हैं अपने बच्चे को? उठो 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 उठो, 8 बज गए, उठ जाओ। उससे ये आवाज देंगे उठ जा। एक बार बोला उठ जा, दूसरी बार बोला उठ जा, तीसरी बार बोला उठ जा, और चौथी बार नहीं उठा है? उसके पीठ पे धम धम जो 3 बार मुक्के पड़ते हैं ना, ऐसे तैयार होता है, फिर नहाने के लिए जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके ऐसे निकलता है घर से। राजधानी भी इतनी फास्ट नहीं निकलती होगी। न्यू जनरेशन वाले पेरेंट्स बच्चे कुछ भी मांगे, मम्मी ये चाहिए, मम्मी केक चाहिए, मम्मी फ्रूट्स चाहिए, फ्रूट का जूस चाहिए, मम्मी मैकडोनल्ड्स चलेंगे। और पेरेंट्स हाँ बेटा ओके। और जो ओल्ड जनरेशन के पेरेंट्स रहते वो अपने बच्चे को क्या बोलते हैं जब कुछ भी मांगेगा तो? बच्चे की डिमांड भी बड़ी छोटी छोटी होती थी वो टाइम पर। बच्चा बोलता था मम्मी केला चाहिए, अरे सर्दी हो जाएगी। मम्मी समोसा चाहिए, अरे पेट खराब हो जाएगा। मम्मी नींबू पानी चाहिए, अरे तेरे को पता नहीं है कैसा पानी डाल के बनाता है नींबू पानी, तेरे को घर पे बना दूंगी। चाहिए वो चौथी बार कुछ मांगेगा उससे पहले ही उसको ये चाहिए वो चाहिए, पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान नहीं तेरा। और ऐसे बच्चे अगर किसी पार्टी और शादी में जाते हैं तो इस तरह से खाते हैं कि कभी कुछ मिला ही नहीं। न्यू जनरेशन पेरेंट्स के बच्चे अगर बड़े हो गए, नौकरी लग गई, मम्मी 15,000 सैलरी है, तो पेरेंट्स बोलते हैं ओके ओके बेटा, बेटा गुड जॉब। ओल्ड जनरेशन वाले पेरेंट्स अगर उनका बेटा घर आया और बोला मम्मी मुझे 20,000 की नौकरी लगी है, घर में 5 बहन है, 2 भाई है और 4 भुआ के लड़के भी है और उनकी 2 बहनें हैं, कैसे चलेगा 20,000 में? जैसे कि बेचारा सब यही देने वाला है, वो लोग तो कुछ कमाने वाले है ही नहीं। जो न्यू जनरेशन वाले बच्चे हैं वो अपने लिए खुद ही ढूंढ लेते हैं और घर पर बोल देते हैं आई एम इन लव। गुड बेटा, कौन है वो? चीमा? नहीं मम्मी वो तो दोस्त है। त्रिशा? नहीं मम्मी वो तो बेस्ट फ्रेंड है। तो फिर कौन है? नेहा मम्मी। बेटा भी खुश और माँ भी खुश। अगर ऐसे ही ओल्ड जनरेशन वाले पेरेंट्स के साथ हो और बच्चा किसी लड़की से प्यार करता हो, महीना तो वो सोचेगा कि मैं पेरेंट्स को बोलूँ या ना बोलूँ, क्योंकि उसको पता है कि जवाब क्या मिलने वाला है। फिर 1 महीने के बाद हिम्मत करके सोचता है कि साला बोल ही देता हूँ। मम्मी पापा को दोनों को बुलाता, बोल बात बोलनी है। पेरेंट्स बोलते हैं बोल, क्या बोलना है? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तूफान के आने के पहले की शांति, सब शांत। पहले तो पापा आके एक चमाट खींचते, बाद में मम्मी का शुरू रोना धोना। मर गए, तू कहीं का नहीं छोड़ा रे, अब तेरे कौन बताएगा रे? पता नहीं क्या कर दिया मोनू, पता इसीलिए बड़ा किया था तुझे, इतना बड़ा होने के बाद फिर हमारा नाम नीचे डुबा देगा। जवाब देंगे सब लोगों को, बोलेंगे सब लोग, और क्या जवाब देंगे किसी को हम? पापा का मारना वापिस शुरू कि ऐसा किया ही क्यों तूने। बेचारा एकदम घबरा के फिर बोलता है मम्मी पापा अप्रैल फूल, मैं तो मजाक कर रहा था। इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वो लाल वाला बटन है ना उस पे क्लिक कर देना, तो आपकी और मेरी दोस्ती बनी रहेगी और आपको नए नए वीडियो दिखते रहेंगे और मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहूँगा।